ची ची पेंसिल है, पेंसिल है। पेंसिल का है माया राखी? पेंसिल और स्लेट, ये स्लेट है। ओके पी पेंसिल पेंसिल। अंजलि बोलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मनु फैमिली में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज मैं जो व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ वो है ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, ये मेरा ब्रेकफास्ट और लंच आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में खीर। उसके लिए मैंने 5 से 10 मिनट के लिए चावल भिगो के रखे थे। कोई भी चावल आप ले सकते हैं, खीर का स्पेशल आता है वो भी, या फिर जो आप घर में यूज़ करते हैं वो चावल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 10 मिनट भिगो के रखे थे और मैं यहाँ 1 लीटर दूध ले रही हूँ। दूध काफ़ी हो गया था घर पे ना, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज खीर बना लेते हैं ब्रेकफास्ट में, तो पूरी के साथ बहुत अच्छी भी लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूध में चावल डाले हैं, तो चावल अच्छे से जो फूल जाते हैं ना उसके बाद अच्छे पक जाते हैं। तो देखिए उबाल आ रहा है खीर में और इसको और पकने देना है थोड़ी देर, अच्छे से पकने देना है इसको। बिल्कुल चावल जब तक ऊपर ना आए तब तक इसको पकने देते हैं हम। और थोड़ी सी थीक खीर जो बहुत अच्छी लगती है, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मायरा की वजह से मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं इसमें। और केसर के 2-4 जो ये है वो डाली थी केसर, और आधा कटोरी के करीब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। तो आप अपने स्वीट जितना आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं, मैंने आधा कटोरी डाली, उतनी हमें काफ़ी लगती है स्वीट। आपको अगर 1 लीटर के लिए 1 कटोरी डालनी है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पूरी बनानी है, उसके लिए मैं पहले आटा गूंथ के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आटा गूंथ के रख दिया है और मैं उसको फूलने के लिए साइड में रख दूँगी। तब तक मैं भुजिया की तैयारी करती हूँ, और भुजिया में मैं बना रही हूँ आलू परवल का भुजिया। उसके लिए मैंने परवल और आलू जो है वो अच्छे से धो के कट करके रखे थे। और मैं ना भुजिया में अक्सर पेस्ट डालती हूँ, जो लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट होता है ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो डलती नहीं है भुजिया में। तो इसीलिए मैं इसका पेस्ट बना लूँगी हरी मिर्च और लहसुन का। तो यहाँ पर देखिए परवल और आलू जो है मैंने अच्छे से वॉश करके उसको कट करके रख दी है। यहाँ पर सरसों का तेल गर्म चुका है, इसमें मैं अभी 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी, और उसके बाद परवल और आलू डाल के उसको भूनना है। और कुछ इसमें मैं अनियन या टोमेटो कुछ नहीं डालती, जस्ट परवल और आलू डाल दूंगी। बहुत यम्मी लगता है ये, जो भुजिया है ना सिंपल सा बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो पूरी के साथ हम लोग अक्सर खाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए है, और आलू और परवल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स करके इनको पकने देते हैं, और इसमें जो हमारे मसाले होते हैं बेसिक वो भी डाल देंगे। इसके साथ साथ 1 चम्मच जो है वो हम हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तो उससे ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है भुजिया का। और बाकी मसाले थोड़े कम डाले तो भी चलेगा, कुछ कुछ लोग तो इसमें सिर्फ पेस्ट डाल देते हैं और हरी मिर्च और लहसुन का और नमक डाल देते हैं और हल्दी बस, और कुछ नहीं डालते। बट मैं यहाँ पर ना लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं सब डाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर, मतलब जो मैंने बोला था ना वो सारे मसाले मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा मुझे ना थोड़ा चटपटा जो है मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा गर्म मसाला, और 1 चम्मच डाल देंगे हम वो पेस्ट जो लहसुन हरी मिर्च का बनाया था, वो पेस्ट डाल देते हैं। तो इससे आप ज़रूर ये वाला भुजिया ट्राई करना, आपको ना अच्छा लगेगा। और अगर बनाते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बताना। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं लास्ट में थोड़ा सा, बहुत ही मस्त क्रिस्पी सा लगता है। इसमें कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको इतने ही मसालों में पकाना है हमें, और ढक के रखना है 5 से 7 मिनट। आलू पकने के लिए हमें ढकना पड़ता है उसको, और उसके बाद आप अगर रोस्ट करते हैं तो रोस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर। तो इसको मैं अभी 5-7 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, और उसके बाद हमारा यम्मी सा क्रिस्पी सा जो है भुजिया रेडी हो के तैयार है। देखिए मैंने बीच में चलाया था उसको 1-2 बार, तो देखिए जो आलू को कलर आया है ना ब्राउन सा, वो बहुत अच्छा लगता है। और परवल भी अच्छे से पक गया क्रिस्पी क्रिस्पी। देखिए आलू मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको,
पक गया सारी चीज़ें, बहुत ही यम्मी लगता है ये। तो चलिए अभी मैं ना पूरी बना लेती हूँ। एक साइड मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अभी मैं पूरी बेलती हूँ। तेल गरम हो गया है, उसमें मैंने पूरी छोड़ दी है, देखिए फूल रही है पूरी अच्छे से। ये फर्स्ट पूरी है इसीलिए थोड़ी वो ज़्यादा फूलेगी नहीं, पर सेकंड पूरी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से फूलती है। तो ज़्यादा भी तेल गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे उसको अच्छे से होने देना है। और जो है थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाता है ना पूरी पे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे ऐसे ही चीज़ें पसंद है। तो इसमें मैंने ये जो है सेकंड पूरी डाली थी और इसको मैंने उल्टा कर लिया था, देखिए बिल्कुल भटोरी की तरह हमारी पूरी जो है वो फूल गई है। ये कमाल है, सिर्फ आटा पहले आधा घंटा पहले गूंथने का, तो बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो ये देखिए आज का हमारा जो यम्मी सा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है, पूरी खीर और आलू परवल का भुजिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का ब्रेकफास्ट। तो चलो मैं भी इंजॉय करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मनु फैमिली में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं चश्मे में थोड़ी सी एजेड लग रही हूँ ऐसे मुझे लग रहा है, डोंट नो, मैं निकाल देती हूँ। ओके, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और कैसे है आपके यहाँ का वेदर? यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, आज छठा दिन है बारिश का, बहुत ज़्यादा हेवी रेन हो रहा है आज भी और हम बाहर नहीं निकल रहे रोज़ की तरह। तो मैंने सोचा चलो आज सारे काम निपटा के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने लंच तो बना लिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगी आगे, सारे काम निपटा के मैं आराम से बैठी हुई हूँ, इंजॉय कर रही हूँ बारिश और मायरा के साथ भी इंजॉय कर रही हूँ। उसके लिए नई स्लेट मंगवाई उसके पापा ने, तो वो स्लेट लेके घूम रही है मॉर्निंग से और लिख रही है उस पर। मायरा, शो मी योर स्लेट, कम कम दिखाओ, इधर आओ, इधर 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 आ जाओ। ये है मायरा की स्लेट। और मायरा इस पे क्या कर रही है? क्या कर रही है? लिख रही है। मायरा लिखो इस पे, मायरा मायरा। मजा आ रहा है उसको। मायरा मैं इरेज करूँ क्या? इरेज का बटन है ये, इसको दबा के इरेज भी हो जाता है। अभी क्लीन हो गई। एक्चुअली इसके पापा ने इसलिए भी मंगवाई क्योंकि ये कल उनके डेस्क पे चढ़ के वॉल पे पेंसिल का वर्क कर रही थी तो सारा मैसी कर दिया उसने। तो हमने सोचा चलो इसको मतलब लिखने का इंटरेस्ट आ रहा है तो एक स्लेट ऑर्डर कर देते हैं। बेबी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? 1 2 3 1 2 3 तो यहाँ पे मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दाल चावल अलग अलग कुकर में चढ़ा के रख दिया था और यहाँ पे मैं पकोड़ा के लिए तेल गरम करने के लिए भी रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया था ना, कल रात को मूंग की दाल जो है भिगो के रखी थी, मैंने दूसरी चीज़ के लिए रखी थी भिगो के, बट मैंने वो स्वीट बनाया नहीं तो मैं अभी इसके पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो मैंने मूँग दाल में हरी मिर्च, लहसुन, जीरा पाउडर, करी पत्ता और नमक डाल के मैंने इसको पिसवा के रख दिया है। अब इसके हम पकौड़े बना लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं मतलब हम लोग जो आलू और सॉरी आलू नहीं दाल चावल के साथ जो है हम ये पकौड़े कैसे खाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलो तेल गरम हो चुका है और इसमें अब हम जो पेस्ट मैंने बनाई थी वो डाल देंगे एक एक करके और इसके पकौड़े बना लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया पत्ता है तो आप डालें, अभी बारिश का सीज़न है ना, बहुत ख़राब धनिया आ रहा था इसलिए मतलब 3-4 दिन से मेरे पास है नहीं तो मैं किसी भी चीज़ में नहीं डाल रही हूँ। तो कड़ी पत्ता हरी मिर्च से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो देखिए थोड़े थोड़े करके मैं स्पून से डाल रही हूँ पकोड़े और इसको अच्छे से पकने देंगे, बहुत यम्मी लगते हैं। बारिश के दिनों में कोई भी पकौड़ा हो तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर ना हमारे पकौड़े पक रहे हैं, इसको अच्छे से हम पक लेते हैं दोनों साइड में ना उल्टा करके अच्छे से पका लेंगे दोनों साइड से। और मीडियम फ्लेम पर पकाना है क्योंकि अंदर का जो स्टफ़ है वो भी पकना चाहिए अच्छे से, जो
मूंग की दाल है वो पकनी चाहिए, इसीलिए ना मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं हमेशा। ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से जो है कच्चा रह जाएगा, इसीलिए कम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है। तो देखिए मैंने सारे जो पकौड़े हैं इसको उल्टा कर लिया है और धीरे धीरे इसको पकने देंगे। तो उस अभी हम क्या करेंगे ना, जो पकौड़े पक गए उसको जब निकाल लेंगे तो मैंने बारीक कटा हुआ अनियन, हरी मिर्च बारीक कट करके साइड में रख दी थी। तो हम क्या करने वाले हैं, जो पकौड़े निकालूंगी ना मैं, देखिए मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं तो इसको मैं क्रश कर रही हूँ। तो अक्सर हम लोग ऐसे ही पकौड़े खाते हैं, लेकिन ये मेरे ससुराल वाली डिश है और ये डिश एक्चुअली बनती है जो चना दाल होती है ना उसकी बनती है। तो लेकिन मेरे पास मूंग दाल थी तो मैंने उसी के बना लिए। तो पकौड़े को हमें क्रश करना है, उसमें हरी मिर्च डालनी है और जितनी पसंद है आपको स्पाइसी उसके अकॉर्डिंग डालें, और बारीक कटा हुआ चॉप कट किया हुआ अनियन डाल दीजिए, आप नमक डाल सकते हैं और कच्चा तेल डाल सकते हैं इसके ऊपर। और आप ये दाल चावल के साथ एक बार ट्राई करना, इतना यम्मी यम्मी रेसिपी है ना ये, बहुत अच्छा। मतलब कोई सब्जी की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास सब्जी नहीं और ये चीज़ें हैं तो आप कभी भी खा सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा सिंपल सा जो लंच था, दाल चावल बॉयल्ड एग और जो पकोड़े का चूरा चूरमा जो भी बोल सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा लगता है। मंजीत को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो आप कोई भी दाल का एक बार ट्राई करना और बताना। तो यहाँ पे मायरा और मंजीत जो है लंच इंजॉय कर रहे हैं। मायरा का फेवरेट है एग और मंजीत का भी एक फेवरेट है, तो लंच में या ब्रेकफास्ट में बनता ही है। तो आज शायद हमने ब्रेकफास्ट में नहीं खाया था, शायद नहीं मतलब खाया ही नहीं था क्योंकि खीर वगैरह था इसीलिए। तो अभी इनको मैंने अंडा बॉईल करके दिया है। यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है, मंजीत में और मायरा ना गैलरी से देख रहे कि क्या व्यू बना है, कंटिन्यू बारिश शुरू हो रही है। और मैंने ना दोपहर में देखा था ये ब्रिज तो थोड़ा सा कम भरा था, और यहाँ से ना बाइक भी गुजर रही थी, लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा भर चुका है, ओवर फ्लो हो रहा है। और जो ब्रिज मैंने शायद पहले वीडियो में दिखाया था आपको तो दिख रहा था, तो अभी पूरा ही भर चुका है और ओवरफ्लो हो रहा है। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे कि कितनी बारिश हुई है। ये मायरा भी अच्छे से खेल रही है यहाँ पे, उसको भी ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ये नज़ारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा सा बोर हो रहा है बारिश की वजह से, क्योंकि बाहर आना जाना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है ना, इसीलिए। तो अभी लग रहा है थोड़ी सी धूप तो चाहिए, बट ग्रीन ग्रीन हो गया है। देखिए क्लाउड्स और भी भरे, मतलब और भी बारिश होने वाली है। और रेड अलर्ट भी लग चुका है पुणे में, और स्कूलों को भी छुट्टी है एक दो दिन। तो बस वही है, अब घर पे ही रहना है और ये व्यू इंजॉय करना है। तो आपको कैसा लगा ये व्यू मुझे बताना, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स करके बताइए। तो ऐसी ज़ोरदार बारिश हो रही है यहाँ पे, है ना माँ? और मायरा को तो मजा आ रहा है यहाँ गीले गीले पानी में। चलो अभी कोजी कोजी अंदर बैठते हैं सब, दरवाजा लगा के, और चाय पीते हैं बढ़िया से। चलो मायरा, मायरा का दूध बन गया है, पापा का ब्लैक कॉफी और मम्मा की चाय। आ जाओ जल्दी आओ। प्रैम फोल्ड करके रखा है तो उसका चेयर बना दिया है मायरा ने, उसी पे बैठ रही हैं तब से। आ जाओ ना बेटा, आ जाओ अंदर चल। आ रहे हो क्या बिट्टू? आ रहे हो? दूध पीना है? आ जाओ बॉटल में दे देती हूँ, आओ जल्दी। If I'd been on your plane and come home, found your mother with some other man, I'd have fought like hell to get back. यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, आ जाइए आप भी चाय पीने का मजा लीजिए बारिश में। छोटा सा बच्चा तो बीच बीच में आता ही रहता है। क्या घोड़ा गाड़ी पे बैठो, बैठ जाओ। और चाय और मूवी कॉम्बिनेशन रहता ही। तो मूवी देखते देखते अभी मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरा नया चैनल है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।